सुप्रिया तैयार नहीं? पता नहीं, उसने मुझे कमरे से जाने को कहा। क्यों, क्या इरादा है उसका? मुझे नहीं पता। क्या सुप्रिया को लेके आना चाहो? जी वो प्रॉब्लम ह्यूम से भाई। अच्छा चलो आता हूँ। तुमसे एक रिक्वेस्ट की थी मैंने कि तुम्हारा बेटा यहाँ पे ना आए। मैंने कोशिश की थी, बहुत कोशिश की थी। क्या मतलब कोशिश है भाई? देख अगर तुम्हारे बेटे ने यहाँ आके कोई भी गड़बड़ की तो मैं पुलिस को फोन कर दूंगा, बता रहा हूँ। मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बच्चे हैं हमारे, ठीक है जज्बाती है, लेकिन अब हमें बड़ा बनना पड़ेगा। हम उनकी जज्बातियत का स्वाद नहीं दे सकते हैं, वो बच्चे हैं। और तुमने कहा कि अपनी बात खुद ही खत्म कर दी है, तो क्या करूं मैं? वो जज्बात में आके कुछ कर बैठेगा। जिस हाल में मैं उसको छोड़ कर आया हूं, तुम भी देखोगे तुम्हारा दिन भी नरम होगा, तुम भी परेशान होगे। क्या परेशान? वो तो लड़का है, उसकी हरकत को कोई भी नजरअंदाज कर देगा। मैं बेटी का बाप हूं, इस बात के बिगड़ पे किसी को पड़ गई तो सारी जिंदगी सफर करेगी। तुम समझो इस बात को, तो मैं उसका बाप हूं, उसकी बेहतरी चाहता हूं बस। यही तो मैं कह रहा हूं, बैठते हैं बात करते हैं, सोचते हैं इसके ऊपर कोई मसले का हल निकल आएगा। हम दोनों को अपने बच्चों से अजीज कुछ नहीं है। क्या कहना चाह रहे हो तुम? मैं बाकायदा साइम के लिए जूबिया का हाथ मांग रहा हूं। सुनो, मैं जिस तरीके से अपनी बेटी की मंगनी कर रहा हूं वो वेल सेटल्ड है, उसका बिजनेस है, उसका घर है, तुम्हारे बच्चे के पास क्या है? ख्वाहिश, ये सब चीजें तो उसके पास भी चंद सालों में होंगी। सर कुंदर लोग आए मेरा इंतजार कर रहे हैं और तुम यहां पे खड़े होके चंद सालों की बात कर रहे हो। आई एम सॉरी, लेकिन तुम गलत वक्त पर गलत मकसद से गलत जगह पे खड़े हो। देखो सर, देखो नफरी जगह पर और मुस्तकबिल की उम्मीदों पर रिश्ते नहीं तय किए जा सकते। मैं तो चाह रहा हूं पर इंतजार कर। और सुनो, जो बात तुमने आज की है दोबारा मत करना, कोई फायदा नहीं होगा।